साख ने कुरान पाक को नजर आतिश करने की शिकायत की, जिसके जवाब में लोग वादत कॉलोनी थाने के सामने जमा हैं और सरापा एहतजाज हैं। वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि गुस्ताख को फौरी तौर पर सजाए मौत दी जाए। वो सरापा एहतजाज हैं। कुरान पाक को नजर आतिश किया गया है। कुरान पाक को नजर आतिश करने के लिए लोग थाना वादत कॉलोनी के सामने एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी है और थाना वादत कॉलोनी के सामने वो जमा है। नाजरीन, हम आपको दिखा रहे हैं ताजा तरीन खबर, जो इस वक्त किसी मीडिया ने चलाने की जिसारत नहीं की, वो सीक्रेट न्यूज चला रहा है। भरपूर तरीके से शेयर करें। नाजरीन, लोग शदीद गम गुस्से में हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं इस हवाले से और ये क्या चाहते हैं। डीएसपी हजरात का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुहिब दीन होने का सबूत दिया, एफआईआर दर्ज की। हम एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी बात करना चाहते हैं कि अगर तफ्तीश के अंदर डंडी मारी गई तो खुद ये नौजवान इस मलून को डंडे मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जरा शुरू से बता दे एक दफा वाक्य। यहाँ आज एक बदबख्त ने जो रहमानपुरिया में मुकीम रहे हैं, उसने यहाँ पर आकर इस बड़ी ग्राउंड के अंदर कुरान पाक को जलाने की कोशिश की। इस बदबख्त की सजा जो है वो सिर्फ एक सजा है कि उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए, उसको फांसी दे दी जाए, उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाए, उसको कुत्तों की मौत मार दिया जाए। और